ईद का त्यौहार मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसको लेकर मुसलमान एक वर्ष तक बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसमें एक माह के कठिन रोजे रखकर इसकी तैयारी की जाती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते ईद का त्यौहार कोरोना के भेंट चढ़ गया है। ईद के त्यौहार पर जो रौनक देखने को मिलती थी, अब वह नहीं दिखाई पड़ रही है। बाजारों से लेकर घरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिधर देखो उधर मायूसी छाई है। किसी प्रकार के कपड़ों की भी खरीदारी नहीं की गई है। लेकिन ईद के त्योहारों को मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद पर सबसे ज्यादा मीठे व्यंजन बनते हैं। इसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक प्रकार की सेवई बनती है, जिसमें प्रमुख शीर, किमामी सेवई और दूध की सेवई होती है। सेवई को बनाने में मेवा, खोया आदि की बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है। लॉकडाउन के चलते सेवई की बिक्री पर भी असर पड़ा है। साहबगंज रोड पर सेवई कारोबारी अपने ग्राहकों को ऑन डिमांड होम डिलीवरी कर रहे हैं। मोहम्मद जावेद अहमद और मेहंदी हसन ने बताया कि ईद में सेवई की अच्छी खासी मांग रहती है, लेकिन लॉकडाउन के चलते ना दुकानें खुल रही हैं और ना ग्राहक घरों से बाहर निकल रहे हैं। ईद के मौके पर हर कोई सेवई का प्रयोग मीठे के रूप में करते हैं, इसलिए हम लोग अपने दुकान के बाहर मोबाइल नंबर लिखकर लगा दिए हैं, जिस पर लोग सेवई का ऑर्डर कर रहे हैं, जिसकी डिलीवरी हम लोग उचित मूल्य पर कर रहे हैं। पहले जिस तरह लोग सेवई की खरीदारी करते थे, वो इस बार काफी कम डिमांड कर रहे हैं। इस संबंध में सेवई कारोबारी मोहम्मद जावेद अहमद और मेहंदी हसन ने बताया। मोहम्मद जावेद अहमद। इस वक्त जो है हमारा जो है दुकान के बाहर जो है एक नंबर हमारा इशू है, जो हमारे कस्टमर पुराने हैं, क्योंकि हमारा सेवई का खानदानी कारोबार है और आज से नहीं हमारे बड़े भाई बैठा करते रहे, हम लोग बैठते हैं, तो हम लोग के लोगों को जानते हैं सेवई के कारोबार में। और ईद को जो लॉकडाउन का दौर चल रहा है, इस नाते जो है इसमें माहौल दूसरा है कि दुकान खोल के कारोबार नहीं कर सकते हैं, तो जो फ़ोन से संपर्क है जो लोग हैं उनके घर होम डिलीवरी करते हैं हम लोग। लड़के हमारे 2-3 हैं, उनके माध्यम से सारे घरों घरों पे पहुंचा रहे हैं उचित दामों पे, कोई महंगा नहीं, ताकि इस वक्त किसी के जेब में पैसा है नहीं, जो परेशानियां चल रही हैं उस सारे सारे लोग के लिए त्यौहार का दिन है, सबको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चाहिए। सर कौन कौन सी सेवाइयों की डिमांड है और कितने कितने रेट में है? जैसे यहाँ पे 50 रुपये किलो भी है, 60 रुपये है, और किमामी एक आती है जो ईद में ज़्यादा बनती है, वो 80 रुपये किलो की है, और तली वाली दूध में जो खाते हैं फेनी 100 की है, 120 की है। कितना डिमांड मिल रहा है आपको? इस बार तो 20% मान के चलते हैं, क्योंकि लोकल यहीं के लोग हैं, जो बाहर के पब्लिक आ नहीं रही, तो दुकानदारी ना के बराबर ही है, तो इतना ही हम लोग कर ले रहे हैं, बहुत है, काफ़ी है। हमारा नाम मेहंदी हसन है। किस तरीके से आप लोग डिलीवरी कर रहे हैं? होम डिलीवरी कर रहे हैं, हमारे पुराने जो ग्राहक नंबर उनको मालूम है, हम लोग घर घर बच्चों पहुँचा रहे हैं। कितना डिमांड मिल रहा है आपको? हाँ डिमांड कितनी है? बहुत कम, ना के बराबर है। लॉकडाउन की वजह से ग्राहक आदमी का पैसा है नहीं, इस वजह से परेशान, जो 1 किलो खरीदा था वो आजकल पावर खरीद के काम चला रहा है। अच्छा कौन सी सेवइयों का डिमांड है, किस किस तरीके? बनारसी सेवइयों का डिमांड ज़्यादा है, तला हुआ लच्छा है बनारस का, वो है डिमांड ज़्यादा होता है।